गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स पार्सो इंटरनेशनल स्कूल. टुडे वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन. कल की क्लास में हमने समाकलन पर आधारित, इंटीग्रेशन पर आधारित कुछ उसके कॉन्सेप्ट को समझे थे और उसके कुछ फॉर्मूले हमने बताए थे. आज हम उस पर रिलेटेड हम कुछ आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप दे रखा है, इसकी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स. तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे. देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स दैट इज एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन डॉट डी ए. ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, इसकी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2. तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब भी लिमिट आपको गिवन दे रखी है मतलब इसकी रेंज 0 से 2 तक है. ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 2 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 0 की पावर 3 अपॉन 3. इसको जब हमने सॉल्व किया तो 8 अपॉन 3 ये रिजल्ट अपने पास में आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड 0 से 90 डिग्री cos x डॉट डी एक्स. कॉस एक्स का मान क्या होता है, साइन एक्स. 0 से 90 डिग्री तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस साइन ऑफ 0 डिग्री. यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज साइन 90 का मान 1 और साइन 0 का मान 0. तो ये इसकी वैल्यू रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 से 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स. और आप लोग सब जानते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमिका में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1 होता है. तो यहाँ पर 1 से 2 1 डॉट डी एक्स. ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स लोअर लिमिट इसकी 1 है, अपर लिमिट 2 है, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1. इसका रिजल्ट कितना आ गया, 2 में से ही गया तो 1. इंटीग्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ए टू बी 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स. और 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग ई एक्स. ठीक है, इसकी लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी. तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉग ई बी माइनस लॉग ई ए. बच्चों ध्यान रखना, एक लॉग की प्रॉपर्टी आती है लॉग ई एम माइनस लॉग ई एन. तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन. तो इसको भी अपन लॉग ई बी अपॉन ए के फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं. फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x1 टू x2 e की पावर x डॉट डी एक्स. ई की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x x1 से x2, तो ये हो जाएगा e की पावर x2 माइनस e की पावर x1. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x स्क्वायर इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस साइन x माइनस e की पावर x डॉट डी एक्स. अब देखो यहाँ पर तीनों साथ में दे रखे थे, तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन